द सिटी. याद है मैंने बोला था कि मैं दिल्ली में आई हूँ तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो दिस इज गोइंग टू बी अबाउट दैट. आप लोगों को पता ही होगा कि सरोजिनी मार्केट का क्रेज कितना है. वैसे मैं आई हूँ यहाँ पे एक चैलेंज लेने के लिए जिसमें मैं स्पेंड करने वाली हूँ 1000 रुपीज सरोजिनी मार्केट में वर्सेस स्पेंड करने वाली 1000 रुपीज मुंबई का मार्केट में. ओके, अब मैंने मुंबई का मार्केट क्या होगा वो आप लोग देख लोगे, बट अभी तो मैं सरोजिनी मार्केट में, तो लेट्स गो एंड देखते हैं मुझे 1000 रुपीज में क्या क्या मिलता है. भाई तो मुझे पता है कि मुझे 1000 रुपीज की सरोजिनी नहीं लग रहा है, मैं ज़्यादा मिलने वाला है, बट ठीक है देख लेते हैं. तो लो जी, हो गई शुरुआत इस चैलेंज की. सरोजिनी मेट्रो स्टेशन से निकलते ही मुझे ज्वेलरी दिख रही थी बिकते हुए. एक आंटी सेल कर रही थी जो कि सिर्फ 75 रुपीज ईच पे सेल कर रही थी. उसी के बाजू वाले लेन में मुझे ऐसे लॉन्ड्री मिल रहे थे जो कि सिर्फ 50 रुपीज के थे. एंड इसमें कुछ कलेक्शन मुझे मिल गए थे जो कि पार्टी वेयर भी लग रहे थे. बट देन आई थॉट कि हम चैलेंज ले ना तो सरोजिनी मार्केट में एंटर कर लेते, काफी लेट हो गया है. तो जैसे ही मैंने मार्केट में एंटर किया मुझे एक शॉप दिखा जहाँ पे चिकन का कुर्तियाँ सेल हुई थी जो कि फिक्स रेट पे थी 650 रुपीज़ के. बट मैंने सोचा कि हम 1000 का चैलेंज है तो 650 यहाँ पे स्पेंडिंग कर सकते हैं. यहाँ पे मुझे ऐसे शर्ट्स दिखे थे जो कि 200 रुपीज़ के लिए थे एंड समर सीजन तो आ चुका, ऑलमोस्ट कब गया विंटर पता भी नहीं चला. बट यहाँ पर ऐसे देखते मुझे समझ में नहीं आता कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ. एंड अब जब मैं वीडियो देखी तो मुझे लगा इतनी अच्छी कलेक्शन थी वहाँ पे. एंड देन यहाँ पे 100 रुपये के स्टॉल तो मैं पीछा नहीं छोड़ते सरोजिनी नगर में. एंड आई एम लाइक टोटली ऑब्सेस्ड विद दिस स्टॉल्स. यहाँ पे 100 रुपीज़ में कितनी अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल रही थी. एंड मैंने सोचा था कि इस बार विंटर वियर के लिए नहीं लेके क्योंकि वो हमारा पचका हो जाएगा कि विंटर सीजन जा चुका है. यहाँ पे 100 रुपीज के बहुत अच्छे मुझे टॉप्स मिल रहे थे एंड फिर भी मैं कंफ्यूज हुई थी कौन सा वाला ले लूँ. यहाँ पे मुझे एक जैकेट दिखा जो कि डेनिम जैसा दिख रहा है बट ये डेनिम नहीं है एंड ऑलिव ग्रीन कलर तो ऑलवेज ट्रेंड करता है तो कैसे मिस आउट कर सकते हैं इसको. एंड सिर्फ 200 रुपीज में मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो ले. अभी तक मैंने ना 300 रुपये खर्च कर दिए एंड मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें लेनी है और 300 रुपये खर्च हो गए हैं. लेट्स सी कि और क्या मिल रहा है. आज तो मार्केट में वैरायटी बहुत अच्छी है. ये सभी जो शॉप है ना, ये गेट नंबर 3 से आप एंटर करोगे तो सेम लेन में आपको दिखेगी. यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स में पैंट अच्छी कलेक्शंस मिल रही थी बट उसकी रेशियो थोड़े निकल जाएगी. ये शॉप पे सिर्फ व्हाइट कलर के जो शर्ट्स हैं बहुत सारे मुझे दिख रहे थे. एंड यहाँ पे कलरफुल पैंट्स तो सरोजिनी नगर में ऐसे मिलते हैं ना कि एमिली का लुक क्रिएट करने का मन कर जाता है भैया. एंड इतने सस्ते में क्रिएट हो सकता है. उसके बाद जाके मैं आगे बढ़ती है एंड यहाँ पे ना मैंने एक शॉप देखी जिसका नाम है यूनिक कलेक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इस यूनिक कलेक्शन में मुझे ऐसे चिकनकारी कुर्तियाँ मिल रही थी. एंड देन थोड़ी चलो फैमिली के लिए थोड़ा शॉपिंग कर लेते बट फिर मुझे अपने आपको याद दिलाना पड़ा कि बेटा चैलेंज चल रहा है, ऐसे आप अपना ध्यान नहीं भटका सकते हो. बट ये इतने सस्ते में मिल रहे थे कि मैं सोच रही थी क्या करूँ, ले लूँ क्या. ये थोड़ा सा गिल्टी प्लेजर है मेरी स्माइल को देख के समझ में आ गया होगा आपको. आई नो ये चैलेंज मैं यहाँ पे शूट कर रही थी बट मुझे ये भी याद था कि ये जो दिन है ये लास्ट डे है मैं सरोजिनी नगर में. एंड फिर इसके बाद शायद मैं मुंबई वापस लौट जाऊँगी तो मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी वापस से सरोजिनी नगर से. इसके लिए मैं सोचा कि जितना चीज़ें मिल सकता है देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैं ट्रैक पैंट देख रही थी जो कि सायम कलेक्शन के सामने यहाँ पर स्टॉल लगा था, 200 रुपीज़ का मिल रहा था. इस शॉप पर मुझे ऐसे प्लाजो पैंट्स मिल रहे थे 200 रुपीज़ में. साथ ही मुझे ऐसा ऑलिव ग्रीन कलर का ये ट्रैक पैंट टाइप दिखा जो कि मैंने सोचा कि इसको जैकेट पेअप कर सकते बट विद इन अ सेकंड आई रियलाइज कि शायद ये आइडिया अच्छा नहीं है. तो आगे चलकर मैंने लिया राइट टर्न. यहाँ पे एक शॉप है जिसका नंबर है E3. यहाँ पे ऐसी स्लिप मिल रही थी 80 रुपीज़ में रेड कलर की. इसका क्वालिटी वॉज रियली नाइस एंड ऐसी स्लिप याद रखो बहुत काम की चीज़ होती है. इसको आप पेअप कर सकते हो कोई भी जैकेट के साथ, उसको ओवरले में जैकेट पहन लो एंड साथ में ये अंदर पहन लो, बहुत ही काम की चीज़ है. 80 रुपये में इससे अच्छा क्या मिलेगा. सरोजिनी मार्केट में आप चलते हो गए ना, अचानक से लोग प्रकट हो जाते हैं, बोलते कि मैडम गुची का परफ्यूम ले लो. अभी नहीं लेना है मुझे परफ्यूम. एंड ट्रिक्स तो देखो, एक इंसान बोलता है कि गिर गया एंड मैंने बोला क्या गिर गया, मैं नीचे देख रहा था, नीचे कि प्राइस गिर गया. नाइस ट्रिक क्या सेल करने के. तो इस पॉइंट पर आकर मैंने सोचा कि चलो ठीक है एग्जिट गेट के टूवर्ड चलते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएगी मुझे. तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई थी 100 रुपीज़ के स्टॉल पे जहाँ पे बेसिक टी शर्ट्स मिल रही थी, कैजुअल वेयर है. यहाँ पे जो है प्रिंटेड टी शर्ट्स थी मोस्टली, यहाँ पर ट्रॉपिकल प्रिंट भी था, ऐसे क्यूट प्रिंट थे. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है नॉर्मल डेज में तो इसको पहन सकते हैं, कलर भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल था एंड ब्रीदेबल मटेरियल था. कल जब मैं आई थी ना मैंने यहाँ पे एक पैंट देखी थी जो उस पर मेरा ना नजर था बट मैंने लिया नहीं. और आज मुझे ऐसा लग रहा है घर जाने के बाद कि मुझे ले लेना चाहिए था. शायद से मैं थोड़ा सा ओवर बजट जा सकती हूँ क्योंकि सरोजिनी मार्केट एंड आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ. चैलेंज होने के बावजूद भी ना मुझे याद दिलाना पड़ रहा है खुद को कि खर्च मत कर और खर्च मत कर. अगर आप सरोजिनी नगर मार्केट में पहली बार जाओ तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, वो है शॉप का नंबर जो कि है 200. इस शॉप का जो ओवरऑल कलेक्शन है इतना अच्छा है, सिपिया वाली शर्ट्स, पर्ल वाली स्कर्ट्स एंड ये जो पैंट है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि अगर ऑनलाइन लेने जाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा. 100% शो आपको यहाँ पे से एक ऐसी चीज तो मिली जाएगी जो कि आप सोचोगे इतने सस्ते में इतनी अच्छी चीजें कैसे मिल गई. अच्छा तो लग रहा है ये भी, अच्छा तो लग रहा है काफी. आउट ऑफ बजट चले जाओगे. आप बता दो अच्छा लगेगा तेरे. नहीं ये तो ना कम थोड़ी. दोनों का 550 दोगे, हम लोग भी ज्यादा बार्गेन नहीं करते. 3 लोग है ये फिटिंग वाला है थोड़ा. बहुत अच्छा लुक आता है नीचे. मैं तीनों को बता दो. तीनों बता दो.
ये दो का 550 लगेगा, अगर तीनों चाहिए तो लगेगा आपको 800। दे दो यार, हो जाएगा, दे दो दे दो, चलो। अरे हो गया अभी तो नहीं, बस की जैसे बताया आपको एक दिन ले लो 700। अरे हो जाएगा, सही करो तो फिर जैसे दे दीजिए। मैं पहले भाई बजट सेट करके आई थी, उसके हिसाब से मैं उल्टा क्रॉस कर चुकी हूं। 700 नहीं, थोड़ा सा और सही करो, 720 अच्छा लगे तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, 750 लगेगा वो भी अभी के लिए, क्योंकि देखो सही है ले लो, अभी उससे अगर कहोगे 10 रुपये भी कम करने नहीं। मैं थोड़ा नहीं थोड़े से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हूँ अपना बजट लिमिट, बट ठीक है अगर आप लोगों को चलेगा तो मैं बता दूंगी कि मैंने क्या क्या बाय कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि इसके बाद मुझे शूट करना है मुंबई का मार्केट का चैलेंज वीडियो। दिल्ली के सरोजिनी नगर से तो मैंने ढेर सारी शॉपिंग कर ली है ना, अब मैं आ चुकी हूँ मुंबई में और देखते हैं कि मुंबई का मार्केट है मुझे कितना सरप्राइज करता है। बाय द वे, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए मैंने चूज किया है लिंकिंग रोड, जो कि आता है बांद्रा में। अब देखते हैं कि 1000 रुपीज़ में मुझे क्या क्या मिलता है, लेट्स गो। चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं मार्केट में एंटर करने वाली हूँ ना लिंकिंग रोड की, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ मिस करने वाली हूँ, वो है सरोजिनी नगर का 100 रुपीज़ का स्टॉल, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टॉल होते हैं सरोजिनी नगर में कि देखिए लगता है कि कौन सी जगह से क्या लूँ। तो ये बात मैं पक्का मानती हूँ कि सरोजिनी नगर में क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है अंडर लेस अमाउंट। आई टोटली अग्री कि सरोजिनी नगर मार्केट एंड लिंकिंग रोड इज लाइक टू अपोजिट पोल्स, बट यहाँ पे ये बात भी मैं मानती हूँ कि अगर आप कोशिश करो ढूंढने की तो कुछ अच्छी चीज़ें तो श्योरली आपको मिल ही जाएगी मुंबई के मार्केट में भी। सो द मोमेंट आई एंटर्ड मुंबई के लिंकिंग रोड मार्केट पे, यहाँ पे मुझे ऐसे तरह की ड्रेसेस मिल रही थी जो कि बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, एंड साथ ही में वैलेंटाइन डे भी आने वाला था, तो सोचा कि चलो ठीक है एक दिन से दो निशान मार ही लेते, देख लेते इधर अच्छी खासी पार्टी वियर मुझे मिल रहे थे। नो डाउट मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट मैंने सोचा कि मार्केट में एंटर करते ही फर्स्ट शॉप से अगर बाय कर लूँगी तो आगे क्या देखूंगी, ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के कुछ और अच्छी चीज़ें मिले एंड देन मैं रिग्रेट करने लगूँ कि क्यों इतना जल्दी बाय कर लिया। एंड उतने में मेरी नज़र पड़ी इतने ब्यूटीफुल से सेट पे, जो कि चिकन का ये 2600 रुपीज़ का कहा था भैया ने, मैंने सोचा कि चैलेंज 1000 का, बाकी का कहाँ से पे करोगे, एक ही ड्रेस में हम सेटल नहीं कर सकते हैं। इसी लेन में मैं जब आगे गई तो मुझे एक शॉप दिखा जहाँ पे इतना अच्छा सा ब्रालेट मिल रहा था 400-500 रुपये, वो कोट का थे प्राइस इनका, बट आप नेगोशिएट फॉर श्योर कर सकते, थोड़ा तो नेगोशिएशन हो जाता है। इसके साथ अगर मैं कोई पैंट अगर पैर कर लूँ तो एक अच्छा सा आउटफिट क्रिएट किया जा सकता था। मैंने यहाँ से एक अच्छा सा हॉट सेक्सी लेसी मटेरियल में ब्रालेट ले लिया, जो कि अभी आप देख ही रहे हो प्रॉपर लुक, जो आप एंड में देखोगे इसका कि मैंने आउटफिट कैसे क्रिएट किया है। मार्केट जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो यहाँ पे एक शॉप पर मेरी नज़र पड़ी जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा ना इंडो वेस्टर्न बोहो टाइप मुझे यहाँ पे जंप सूट दिखा, एंड मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये जंप सूट है, यही है वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसका प्राइस उन्होंने कोट कर दिया था 1600 रुपये। एंड एक चीज़ मैं मान गई हूँ कि मुंबई मार्केट के जो शॉपकीपर्स होते हैं थोड़े से जिद्दी होते हैं, सरोजिनी मार्केट में तो थोड़ा सा नेगोशिएशन हो ही जाता है, यहाँ पे तो नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे मुंबई मार्केट में ना ज़ाया के टॉप्स मिल रहे थे 200-200 रुपीज़ में, ऐसे सब बिक रहा था, ऐसे अंकल लेकर बैठे हुए थे। एंड मैंने एक चीज़ देखा है कि सरोजिनी नगर में भी ज़ाया का टैग लगा होता है बहुत सारे टॉप पे, यहाँ पे भी लगा हुआ है। एंड मैं तो ये भी मानती हूँ कि ज़ाया को खुद को नहीं पता होगा कि उन्होंने ऐसे टॉप बनाए कब थे, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसी तरह से लोग खरीद भी ले लेते हैं, पर ठीक है ये नॉर्मल डेज में आप पहन सकते हो, इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। बट ट्रस्ट कर लेना कि जो ज़ाया का टैग है ये हमेशा सच नहीं हो सकता, डुप्लीकेट है ये। याद है सरोजिनी नगर मार्केट के लिए मैंने आपको कहा था कि दिमाग में फिट कर लीजिए शॉप नंबर 200, क्योंकि वहाँ पर की कलेक्शन बहुत अच्छी है। वैसे मुंबई का जो लिंकिंग रोड मार्केट है ना, उसके लिए मैं बता रही हूँ ये जो शॉपिंग लेन है जिसका नाम है गजीबो शॉपिंग लेन, इस नाम को अपने दिमाग में गांठ मार लीजिए क्योंकि ये तो मस्ट विजिट है। जब मैंने इस लेन में एंटर किया ना तो मुझे यहाँ पे इंडियन वेयर एंड वेस्टर्न वेयर सभी के अच्छे ऑप्शंस दिख रहे थे, बट एक ही चीज़ है जो कि कॉमन है हर जगह मार्केट के लिए, जो कि है छाटन। आप छाटोगे ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। ये एक शॉप है जहाँ के पैटर्न ना मुझे बहुत ही अच्छे लगे, पार्टी वेयर मिल रहे थे। एंड यहाँ पे ये जो ड्रेस है ना, इस पर तो मैं दिल लग गया था क्योंकि कलर इतना यूनिक कलर है, मुझे बहुत रेयरली ऐसे कलर दिखे थे। एंड ये ड्रेस का प्राइस अंकल ने ज़्यादा कोट किया, इसके लिए मैंने नहीं खरीदा, एंड अंकल थोड़े से रूड भी हो गए थे। लिंकिंग रोड पे KFC शॉप है, उसी लेन में ना ऐसे नाइट सूट मिल रहे थे, सैटिन मटेरियल का जो नाइट सूट था 350 रुपये का सेट था, एंड जो अगर कॉटन मटेरियल लेना चाहोगे तो 200-200 रुपये मिल रहा था। इस पे कार्टून बने हुए थे मिक्की माउस वगैरह, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों का तो नहीं है, तो मैंने अंकल से पूछ लिया एक ही बार कि बच्चों का तो नहीं है, तो अंकल ने कहा कि नहीं
नहीं नहीं ओवर साइज ये बड़े लोग भी पहन सकते हैं, तो मैं समझ गई अंकल मुझे चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चों का मटेरियल तो इसके लिए मैंने नहीं लिया। इसी लेन में ना शॉप है बार स्टॉक एक्सचेंज एंड अरेंजमेंट, उसी के सामने स्टॉल लगता है जहाँ पे फुल लेंथ नाइट सूट अंकल सेल करते 400-500 रुपए बोलते, बट ट्रस्ट मी इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छा था, तो नाइट वेयर के लिए बहुत अच्छा है ये। जब मैंने मार्केट में एंटर किया था ना मैंने ऐसी ड्रेसेस देखी थी, सच बताऊँ मेरे ना दिमाग से वो जा नहीं आता क्योंकि हर दूसरे शॉप पे मुझे इस पैटर्न का ड्रेस मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक ले ही लेते हैं, बट इतनी अच्छी कलर वेराइटीज यहाँ पे थी ना कि मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा ले लूँ। लास्ट में मैंने एक और चीज़ देखी कि ऐसी जो पैटर्न है ना उसमें वेलवेट मटेरियल का भी मिल रहा था, एंड वेलवेट मटेरियल मेरे हिसाब से ज़्यादा ब्लिंगी भी नहीं होता बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा शाइन देता है, तो जो कपड़ा होता है वो तो एकदम ऐसे आई कैची होता ही है एंड ऑल्सो कम्फर्टेबल भी होता है पहनने के लिए। तो मैंने एक ड्रेस ऐसे ले ही ली थी जो कि आप लास्ट में देखोगे कि मैंने कौन सी ड्रेस उठाई इतने सारे कलेक्शन में से। बाय द वे अगर आप लिंकिंग रोड मार्केट में पहली बार आए हो तो आपको स्टेशन से इजीली ऑटो मिल जाते हैं 20-25 रुपीज मैक्स टू मैक्स लेंगे वो आपसे शेयरिंग बेसिस पर। लिंकिंग रोड पे उतरने के बाद ना एक प्रॉपर लेन में यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे शॉप्स है जहाँ आपको सैंडल शूज वगैरह मिलता है, स्टार्टिंग में प्राइस आपको बहुत ज़्यादा बोलेगे 700-800 रुपये बोलेगे, बट थोड़ा सा आप नेगोशिएट कर लेना 400-300 रुपये में मिल जाती है, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे सैंडल्स मिलते हैं। एंड जैसे सरोजनी नगर में ऐसे ज्वेलरीज मिल रहे थे 100-100 रुपीज के इयररिंग्स, वैसे यहाँ पे मिलते हैं बट वो भैया लेकर घूमते थे तो कई बार आपको ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है। KFC शॉप के ऑपोजिट लेन में बहुत ही अच्छा फुटवेयर कलेक्शन मैंने देखा था, फिर वाले वो बड़ों के लिए हो या बच्चों के लिए, मैंने पहली बार देखा कि बच्चों के लिए भी जूती मिलती है इतनी अच्छी ब्यूटीफुल सी जिसमें इतना अच्छा ब्लिंगी काम किया हुआ है, 400-300 रुपये कुछ प्राइस बोलते हैं। सरोजनी नगर हो या लिंकिंग रोड हो, मैं सच बताऊँ मुझे दोनों के कलेक्शन इतने अच्छे लगे ना कि मैं सोच रही थी मुझे वापस कब जाने मिलेगा। सो फाइनली आई एम बैक टू होम, लेट मी क्विकली शो यू व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट एंड लिंकिंग रोड। तो हम स्टार्ट करते पहले लिंकिंग रोड से क्योंकि वहाँ के आइटम जो है कंपैरेटिवली कम है सरोजनी नगर मार्केट से। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल। So the first item which I bought from Linking Road Market is this velvet dress. I had to buy this dress because it's perfect for Valentine's Day. The material of this dress is velvet and it's not body hugging. At the same time, it's comfortable. Also, the dress has a slit and I'm completing the look simply by exercising earring. The second item on the list is this stunning corset, also known as bralette, which I got only for 300 rupees after some bargaining. Not only it does look super fashionable, but the stretchable material also ensures comfy fit. Last but not the least, I grabbed this stunning night suit from Linking Road for an absolute steal at just 300 rupees. The material is incredibly soft and cozy in making it perfect for a comfortable night's sleep. आई नो ये जो चैलेंज है बिटवीन लिंकिंग रोड एंड सरोजनी नगर मार्केट है, बट जैसे मैं मेट्रो स्टेशन से निकली सरोजनी नगर के वैसे मेरा ध्यान पड़ा एक आंटी के पास जो कि आंटी नेक पीसेस सेल कर रही थी यानी कि ज्वेलरी सेल कर रही थी। 150 रुपीज में दो नेकलेस थे वहाँ पे जो सेल कर रही थी और मेरी नज़र पड़ी ये दो नेक पीसेस पे जिसको मैंने ले लिया, यानी कि 150 के दो यानी कि 75 रुपीज में एक मिल रहा था और ये चांस मैं कैसे छोड़ सकती थी कि मुझे पता मैं सरोजनी नगर मार्केट में भी गई हूँ ना तो वहाँ पे एक नेक पीस जो थी यानी कि चोकर वगैरह होता है वो 100 का तो शायद से मिलता ही है, कम से कम 100 में मैंने देखा 75 में नहीं देखा है। तो ये है दो नेकलेस जिसको मैंने खरीदा है सरोजनी नगर मार्केट के बाहर से, 75 रुपीज ईच में मुझे मिला था, इसको मैं पहनकर इंडो वेस्टर्न लुक भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो सरोजनी नगर मार्केट में एंटर करने के बाद जाके जो सेकंड आइटम मैंने बाय किया है वो है ये जैकेट, एंड अनफॉर्चुनेटली कैमरामैन इस चीज़ को शूट करना भूल चुका था जिस वजह से इसका मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, बट आई बॉट दिस जैकेट ओनली फॉर 150 रुपीज एंड इसको देख के मुझे फीबी कैरेक्टर की याद आ गई फैन शो से। रिमेंबर सरोजनी नगर मार्केट से मैं स्लिप ले रही थी जो कि सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज का था, मैंने कहा कि बहुत ही काम की चीज़ अगर मिले तो ले लेना, उसको मैं पेयर अप कर रही हूँ इस जैकेट के साथ जिस वजह से एकदम पॉपिंग कलर तो लग रहा है, एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा आउटफिट क्रिएट हो चुका है। सेम स्लिप को मैंने पेयर अप किया ऑलिव ग्रीन जैकेट के साथ भी। ये जो जैकेट है ना मैं सरोजनी हॉल का सबसे फेवरेट जैकेट रहा है ये, एंड उससे पहले जो मैंने आपको दिखाया जैकेट ये दोनों भी। ये जो जैकेट है मुझे लगा था ये डेनिम मटेरियल का होगा, बट डेनिम मटेरियल नहीं है, इसके बैक पे ऐसा काम किया हुआ है, थोड़े से धागे निकलते हुए मुझे दिखे थे पर उसको हम कट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में जैकेट मिल रहा था, इट्स टोटली वर्थ इट। इसके बाद जो मैंने आइटम लिया था 100 रुपीज के स्टॉल से वो है ये टॉप जो कि सी थ्रू मुझे लग रहा था, इसके अंदर मैंने कोशिश की थी रेड कलर की स्लीव को पहनने का, बट आप देख रहे हो कि कितना विजिबल है ये सामने से, तो इसके अंदर क्या पहना है एक छोटा टास्क के, बट 100 रुपीज में मुझे टॉप मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने ली थी ये टी शर्ट जो कि बेसिक टी शर्ट है, इसको पहनकर कई बार मैं जुम्बा क्लासेस भी चली जाती हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि मैंने क्या क्या लिया है, अब मैं बताती हूँ कि मुझे क्या डिफरेंस लगा लिंकिंग रोड एंड सरोजनी नगर में।
तो मैंने जो डिफरेंस देखे सर्जन नगर की वो ये थे कि अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो एंड आपको क्वालिटी ज़्यादा इतना अफेक्ट नहीं करता, कि कॉलेज गोइंग गर्ल जो होती है उनका पॉकेट मनी उनको मिलती है, कम पैसे होते हैं, तो कम पैसे में आपको अच्छा स्टाइलिश भी दिखना है एंड आपको वो इंसान नहीं हो जिसको आउटफिट ना सालों साल चलाने होते। कुछ कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं, तो वो जो शॉपिंग करते हैं ना उसी चीज़ को वो ज़्यादा कुछ कुछ साल तक ऐसे चलाते रहते। तो अगर वो नहीं हो, आप कुछ महीना ड्रेसेस वगैरह पहन रहे हो, फिर आप चेंज कर, फिर आप शॉपिंग कर रहे हो, अगर वैसे इंसान हो तो सर्जन नगर इज़ टोटली परफेक्ट फॉर यू। सर्जन नगर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकल के आती है, यानी कि ज़्यादा के जैसे जो मैं आपको बोला ड्यूप है या फिर ऐसी जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती है, बट वो ढेर में से ढूंढना पड़ता है। बट एक चीज़ मैंने देखी है कि सर्जन नगर में ऐसे कुछ शॉप थे जहाँ पे ना वो आपको सस्ते में तो चीज़ें बेच रहे थे, बट थोड़ी बहुत डैमेज वाली चीज़ें भी बेच रहे थे, तो आपको अच्छे छाट के देखना पड़ रहा था कि इसमें थोड़ा बहुत ऐसे डैमेज तो नहीं है, सब सही तो है। वो एक चीज़ है, कुछ कुछ आइटम जो मैं भी बाय करके आई उसमें मैंने देखा कि धागे वगैरह निकल रहे, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। इवन जो मैंने ऑलिव ग्रीन कलर का जैकेट जो मैंने आपको बोला उसको मैंने दो तीन बार पहना है, दो तीन बार पहनने के बाद उसका कलर थोड़ा सा मुझे फेड होते हुए दिखा है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की कि सर्जन नगर की है कि जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है, बट एट द सेम टाइम जो प्राइस में बिक रहा है वो टोटली जस्टिफाई करता है उस हिसाब से, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ ट्रूली जेम। एंड मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं कब जाऊँगी वापस सर्जन नगर, क्योंकि यार उसका कंपेरिजन कोई है ही नहीं, एंड इट्स टोटली हेवन फॉर यू नो लड़कियों के लिए तो हेवन ही है। लिंकिंग रोड की अगर मैं बात करूँ तो लिंकिंग रोड मैंने एक चीज़ देखा कि आपको ना आप थोड़े से पैसे ज़्यादा देते हो कंपैरिजन में सर्जन नगर से, बट एट द सेम टाइम आपको क्वालिटी भी मिलती है, यानी कि आपको जो क्वालिटी मैंने देखा है जो मैं टॉप लेके आई हूँ एंड साथ में यानी कि जो ब्रालेट है, जो पार्टी वेयर जो ड्रेस लेके आई हूँ, इसके मटेरियल बहुत अच्छे हैं। आपको ऐसे डर भी नहीं होता कि क्या इसमें धागे निकल रहे हैं, क्या ऐसी क्वालिटी लो है या फिर कैसे फटाफटा तो नहीं है, वो डर नहीं होता। आई नो यू स्पेंडिंग लिटिल बिट मोर, बट आपको क्वालिटी जो मिल रही है इज टोटली वर्थ अकॉर्डिंगली। तो मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल वन, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यह सर्जन नगर को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। एंड एक्चुअल में एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, दोनों अलग अलग जगह में है, स्टिल आप लोग मुझे बता देना कि मेरे हिसाब से सर्जन नगर हमेशा उसको मैं टॉप पे रखूंगी, उसको मैं कंपेयर नहीं करना चाहती क्योंकि वो अलग ही चीज़ है। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा मार्केट अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो मुंबई में रहती हूँ, मैं रोज थोड़ी दिल्ली जा सकती हूँ शॉपिंग करने के लिए, इसलिए मुझे तो लिंकिंग रोड के साथ या फिर ऐसी मार्केट के साथ सेटल करना पड़ता है। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा मार्केट ज़्यादा अच्छा लगता है, सर्जन नगर या फिर लिंकिंग रोड। एंड ये वीडियो कैसी लगी, कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझे बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज की इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।